नमस्कार दोस्तों, वापस से स्वागत करता हूँ मैं आपका एक और नई वीडियो में। तो हम लोग सोचते हैं कि जो आरबीआई है वो हम लोगों को नोट छापकर मालामाल क्यों नहीं कर देती, अगर उसके पास नोट छापने की मशीन है तो। अगर मान लो आरबीआई ने बहुत सारे नोट छापकर हमको मालामाल कर दिया तो उससे क्या होगा कि हमारे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा। बहुत सारा पैसा आ जाएगा तो जो महंगाई है वो भी बढ़ जाएगी पैसा आने से, और जो डेली प्रोडक्ट है मतलब जो डेली यूज में आते हैं उन पर इस प्राइस का बहुत इफेक्ट पड़ेगा कि जो जिस साबुन को हम लोग 10 से 20 रुपए में खरीदते हैं उसका प्राइस सिर्फ लगभग 500 रुपए तक पहुंच जाएगा। और अगर हमने ज़्यादा नोट छाप भी दिए तो पता है उससे क्या होगा कि हमारा पैसा ज़्यादा आ जाएगा तो जो हमारा देश का स्टॉक मार्केट है वो पता है एकदम आसमान को छू जाएगा। ऐसा ही एक बार कुछ कंट्रीज ने किया था कि उन्होंने अपने कंट्रीज में अपनी गरीबी दूर करने के लिए बहुत सारा पैसा छाप दिया था। उन दो कंट्रीज में थे वेनेजुएला एंड जिम्बाब्वे। तो वेनेजुएला में क्या हुआ था कि वहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत सारा पैसा छाप दिया तो जो वहाँ पर ब्रेड का पैकेट था, पता है जैसे हमारे इंडिया में वो ब्रेड का पैकेट 10 से 20 रुपीज़ का मिलता था, लेकिन पता है वो 15,000 इंडियन रुपीज़ वहाँ एक ब्रेड का पैकेट मिल रहा था। और जो लोग मतलब एम्प्लॉयड थे वहाँ पर, इनकी नौकरी थी, उनके पास ज़्यादा पैसा आ गया, और जो अनएम्प्लॉयड थे उनके पास कुछ नहीं आया, तो मतलब उन्होंने चोरी करना स्टार्ट कर दिया। तो इसमें क्राइम रेट भी उस कंट्री में बहुत बढ़ गया था। और जब मतलब बहुत सारा पैसा हो जाता है और जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मतलब कमी हो जाती है तो इसको एक वर्ड है उसे कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। अगर ज़्यादा पैसा आ भी जाए तो वो किसी काम का नहीं है, वो सिर्फ पैसा नहीं बचेगा, उससे वो एक तरह का पेपर रह जाएगा, उसको कोई यूज़ ही नहीं है, हम क्या यूज़ करेंगे फिर उसका। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं।